जल्दी यहाँ ऊपर। एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे। निकाल दो सर, फालतू में घर में पड़ी रहेगी। ये नहीं बेचनी, बाकी तोल दे तो। 15 किलो सर। ठीक है, दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी। कहा तो उसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस। सर ये ले। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर। यार अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, तो फिर ये रद्दी का काम क्यों कर रहे हो तुम? आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां है सर, जो भी पढ़ा हूं इसी से पढ़ा हूं सर। नाइस, काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ, तुम्हारी रद्दी के बारे बात करते हैं। हाँ दोस्त, बताओ अपने एमए और बीए की डिग्री के बारे में। सर पापा पढ़े लिखे थे नहीं, उनका रद्दी का काम था। अच्छा, मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। मैं जब 14 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। छोटा भाई 8 साल का था, मम्मी हाउसवाइफ, तो घर चलाने के लिए मुझे ये रद्दी का काम चलाना पड़ा। स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। उसके बाद ना सर मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। एक सपना था सर, थोड़ा और जान लू, थोड़ा और सीख लू। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। कमाल हो यार। और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर। क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए। 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए। श्योर श्योर सर। चलो रख लो। थैंक यू सर। कुछ सपने लायक होते हैं पूरा होने के। जब आपको ऐसा कोई सपना दिखे जिसे देख उसे पूरा करने का मन करे, तो जाइए giftalivelihood.com पर। वो सपना हमें रेफर कीजिए, अपने खर्च पर ICICI अकेडमी फॉर स्किल्स में इलेक्ट्रिकल रिपेयर या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर उसे एक अच्छी नौकरी, एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। सर सर। अरे मनोज कैसा है? थैंक यू सर। क्या ये? अच्छा लेटर आ गया? आ गया सर। डियर मनोज कुमार, वेरी नाइस। यस सर, आपने नई जिंदगी दे दी सर। थैंक यू सर।